लोग धम्म विजय दशमी के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तथा धर्म के रूप में हम लोग जो है यहाँ इस अशोक धम्म विजय दशमी को मना रहे हैं तथा हमारा अशोक धम्म विजय दशमी मनाने का लक्ष्य यह रहना चाहिए कि सम्राट अशोक ने जिस तरह इस धर्म को ग्रहण करके पूरे दुनिया में जो है अपना प्रकाश फैलाया तथा धर्म का स्तंभ काफ़ी नीचे तक गाड़ दिए, उनके कारण ही आज जो है जहाँ भी खुदाई होती है धर्म हमारा दिखाई देता है और आज तक चला रहा है और आगे भविष्य में भी चलेगा। इस नाते हम लोग जो है उनके रास्ते पर चलते हुए ज़्यादा नहीं कम से कम हमारी जो क्षमता हो अपने उस क्षमता के अनुसार धर्म का पालन करें, सील सदाचार का पालन करें तथा धर्म को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग धर्म स्थल पर देते रहें और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन स्वयं अपने घर पे भी करें और जहां होता है वहां पर जाएं। और जब हम सील सदाचार का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे तो हमारा अनुसरण करके हमारे बगल के लोग, हमारे नात रिश्तेदार, जो भी चिर परिचित लोग जो हैं, हित मित्र जो हैं, वो उस अनुसार जो है आपका अनुसरण करके वो भी धर्म के रास्ते पर आएंगे। इस नाते इस धर्म अशोक धम्म विजय दशमी मनाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम धर्म के अनुसार जिस तरह वो अपने क्षमता के अनुसार एक राजा महाराजा थे, ख्याति फैलाए दुनिया में, हम उस तरह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने नात रिश्तेदार, अपने हित मित्र को ही बता सकते हैं या उनसे अनुनय विनय कर सकते हैं कि धर्म पर चलें और हम स्वयं धर्म के रास्ते पर चलें तथा हमारे धर्म का विकास हो। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। कुछ बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अशोक सम्राट जो इस देश में जिन्होंने पूर्वांचल से लेके अफगानिस्तान तक ले शासन चलाया, उनको भी मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए परम पूज गुरु जी जो इस बुद्ध विहार का संरक्षक थे उनको भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, ये समाज बहुत दिनों से एक रोगी, इनको एक रोग था, बहुत बड़ा रोग था और उस रोग को छुड़ाने के लिए तमाम लोगों ने संघर्ष किया। भगवान बुद्ध भी अपने शासन जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी, भगवान बुद्ध को श्रद्धा का सुमन इसलिए अर्पित करते हैं कि इस समाज की दुख और दर्द देख करके और उन्होंने अपने शासन को छोड़ करके अपने राजा महाराजा और अपने सुख को त्याग करके और इनके लिए सारे अपने समय को खर्च करके और तमाम यातनाओं को, तमाम दुख सह करके और धर्म को, जब भगवान बुद्ध को धर्म का ज्ञान हुआ तो भगवान ने इस समाज को सबसे पहले धर्म देने का काम किए भगवान बुद्ध कि जिससे इनका रोग खत्म हो, जिस रोग से ये प्रताड़ित रहते थे, कहीं भी उठने बैठने बोलने चालने में चलने फिरने में हर जगह इनको परेशानी थी, इसलिए उस रोग को ख़त्म करने के लिए भगवान ने इस धर्म को दिया और हमको बहुत साहस से इस धर्म को अपनाना चाहिए और शान से रहना चाहिए। जिसके पास धर्म रहेगा वो बहुत शान से रहता है और बहुत हिम्मत से रहता है और जिसके पास धर्म नहीं रहता वो सिकड़ा हुआ चौराहे पर मिलता है। आपने देखा, तमाम लोगों को देखा है
को चौराहे पर सिकुड़े हुए मिलते हैं, और जो इसके पास धर्म रहता है वो हरदम सीना तान के रहता है और अपने सीलों का पालन करना चाहिए। जब सील का पालन करता है आदमी तो बड़े हिम्मत के साथ वो रहता है, उसे डर उड़ नहीं रहती है। इसलिए बाबा साहब ने इस चीज़ को बहुत ही मेहनत के साथ, अशोक सम्राट भी बहुत मेहनत के साथ इसको ज़मीनों में गाड़ दिए थे अशोक सम्राट, कि जिससे ये ख़त्म ना हो आने वाले समय में। वो लोग राजा महाराजा थे, भूत और भविष्य को भी जानते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, भूत और भविष्य को भी जानते थे। इसलिए उन्होंने ज़मीन में इसको गाड़ दिया था कि मेरा इतिहास ज़मीन में पड़ा रहेगा, तो आने वाले समय में जब भी हमारे लोग बुद्ध जीवित होंगे या लड़ाने वाले लड़ने वाले होंगे या शासन होगा या हमारे इस देश में हमारे लोगों का राजपाट होगा, तो उसको खोद करके निकाल करके अपने इतिहास को तो जान लेंगे, और जब अपने इतिहास को जानेंगे तो अपने समाज को बांटने का काम करेंगे, तो ये समाज फिर सुखी होने का काम, सुखी होने की तरफ जाएगी। ये बाबा साहब अशोक सम्राट का, ये अशोक सम्राट की देन थी, और बाबा साहब ने ग्रंथों में भी इस चीज़ को दिया, और भगवान बुद्ध के ज़माने में भी ये ग्रंथ नहीं था, लेकिन सिलाप्टों पर लिख करके पत्र, ये जो है उस समय ये पत्र था, ये फूल वूल का, उस पर भी भोजपत्र पर भी लिख करके उसको छोड़ते थे कि जिससे कि ये कभी जल्दी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, ये रहेगा, हमारा इतिहास कायम रहेगा। इसलिए इसको बाबा साहब के भाई अशोक सम्राट के ज़माने में और भगवान बुद्ध के ज़माने में, फिर बाबा साहब के भी ज़माने में ग्रंथों में फिर लिखा गया। बाबा साहब ने अपने हाथों से तमाम ग्रंथ लिखा। आप बाबा साहब के ग्रंथों को पढ़िए तो स्वतः आपको जानकारी हो जाएगी कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और हमारा क्या इतिहास है, ये हमारी जानकारी स्वतः हो जाएगी। जब तक हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, अपने लोगों के बीच नहीं जाएंगे, अपने लोगों के बीच बैठेंगे नहीं, तब तक हम अपनी दुख दर्द किसको कहेंगे और कैसे दूसरे की दुख दर्द हम सुनेंगे। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने ये बताया, हमारे लोगों ने, तमाम लोगों ने भरमाया हमारे लोगों को, 84 भरमना पड़ेगा, ये है वो है, यह इतनी बार जन्म होगा, लेकिन 12.5 हाथ की ये शरीर है, इसमें 7 बित्ता होता है और 1 बित्ता में 12 अंगूर होता है, 12×7=84, 12×7=84। आप अपने शरीर को ही जान लीजिए कि मेरे शरीर में क्या है, गुण है कि अगुण है, यही जानने के लिए भगवान बुद्ध ने भी बताया है कि आप अपने शरीर के गुण अगुण को जान लीजिए, 12×7=84, यही 84 अंगूर में जान करके यही 84 आपका ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने 84 बताया। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।